पर्यटन के लिहाज से हमारा देश राजसी स्मारक और शानदार टूरिज्म प्लेस से घिरा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर रॉयल सुविधाओं वाली ट्रेनें भी टूरिज्म को बढ़ावा देने में लगी हुई हैं। देश में ऐसी कई तरीके की लग्जरी ट्रेनें हैं जिनमें सफर करने का अनुभव अलग ही है, लेकिन हाँ, इसमें यात्रा करने के लिए किराया इतना है कि शायद आप एक अच्छा खासा विदेश टूर कर लेंगे। इन ट्रेनों का मजा लेने के लिए न केवल देसी बल्कि विदेशी सैलानी भी इनका आनंद उठाने के लिए आते रहते हैं। तो चलिए भारत की उन लग्जरी ट्रेनों के बारे में बताते हैं जिनको लेकर बहुत कम जानते होंगे आप। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत की 5 सबसे लग्जरी ट्रेन्स के बारे में, तो अंत तक बने रहिए हमारे साथ। पैलेस ऑन व्हील्स, शाही राजस्थान का गौरव पैलेस ऑन व्हील्स अपनी खूबसूरत डिजाइनिंग के साथ राजस्थान की संस्कृति के बारे में काफी कुछ बताता है। ट्रेन 1982 में शुरू की गई थी। ये ट्रेन नई दिल्ली से अपनी यात्रा शुरू करती है और दिल्ली लौटने से पहले जयपुर, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, भरतपुर और आगरा को कवर करती है। अगर आप इस शाही यात्रा का अनुभव करने की योजना बना रहे हैं तो आपकी जेब में लगभग 3.5 लाख रुपए होने चाहिए। महाराजा एक्सप्रेस, IRCTC के स्वामित्व में और संचालित महाराजा एक्सप्रेस भारत की सबसे लग्जरी ट्रेन है। ये लगभग 12 डेस्टिनेशन को कवर करते हुए अक्टूबर और अप्रैल के बीच चलती है, जिसमें से ज्यादातर जगह राजस्थान की होती हैं। वहीं एक व्यक्ति के लिए डिलक्स केबिन का किराया 4 दिन और 3 रातों के लिए लगभग 2,80,000 रुपए है, और अगर आप प्रेसिडेंशियल सुइट बुक करते हैं तो इसका किराया बढ़ जाता है। ट्रेन सितंबर और अप्रैल के महीनों के बीच 5 यात्रा कार्यक्रमों की लिस्ट प्रदान करती है, जिसमें शाही परिवार के सदस्यों से मिलना, जयपुर में हाथी पोलों के मैच में भाग लेना और खजुराहो के मंदिरों को देखने जैसे अनुभव शामिल हैं। आपको बता दें, महाराजा एक्सप्रेस में 2 रेस्टोरेंट हैं, एक मोर महल और दूसरा रंग महल। इन दोनों महलों की भव्यता हैरान कर देने वाली है। इसमें खाना सोने की परत चढ़े बर्तनों पर दिया जाता है। रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स, पैलेस ऑन व्हील्स की सफलता के बाद भारतीय रेलवे ने 2009 में इस लग्जरी ट्रेन की शुरुआत की थी। ये ट्रेन भी पैलेस ऑन व्हील्स वाले मार्गों पर ही यात्रा करती है। पर्यटकों को राजस्थान से होते हुए ये ट्रेन आपको 7 दिन और 8 रात की यात्रा पर ले जाती है। इसका किराया अन्य लग्जरी ट्रेनों की तुलना में कम है। ट्विन शेयरिंग डिलक्स केबिन के लिए यहाँ का प्रति व्यक्ति किराया 48,000 के आसपास है। द गोल्डन चैरियट, ये लग्जरी ट्रेन दक्षिण भारत में कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु और पांडुचेरी राज्यों के लोकप्रिय स्थानों की सैर करवाती है। 7 रातों के लिए टैरिफ 1,82,000 रुपए प्रति व्यक्ति किराया लेती है। ये ट्रेन यात्रियों को हरे भरे जंगलों और लुभावने झरनों से ले जाती है। साथ ही इसमें आप एक स्प्रा रेस्टोरेंट और एक बार भी देख पाएंगे। द डेक्कन ओडिसी, पैलेस ऑन व्हील्स के मॉडल पर आधारित इस ट्रेन को महाराष्ट्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। ये मुंबई से चलती है, जिसमें रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, गोवा, औरंगाबाद, अजंता, एलोरा, नासिक, पुणे, इन सबको मिलाकर 10 लोकप्रिय पर्यटन स्थल इसमें शामिल हैं। प्रति व्यक्ति एक डिलक्स केबिन की कीमत लगभग 3.5 लाख रुपए है, और अगर आप प्रेसिडेंटल सुइट बुक करते हैं तो इसका किराया बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, ये थी भारत की 5 सबसे लग्जरी ट्रेनें। आपको इनमें से कौन सी पसंद आई है हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाएं। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, अभी करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और देखते रहिए फैक्ट फ्लोर हिंदी।